हेलो एवरीवन, मैं शीतल बाखरा स्टॉक ब्रोकर एनोमोलॉजिस्ट के लिए बात करते हैं कि सेबी के काफी नए रूल्स आए हैं। कल ही सेबी ने कुछ नए रूल्स दिए हैं। मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, 65%, 75%, 25% एक्चुअली है क्या और इसका स्टॉक मार्केट पे क्या अफेक्ट होगा? देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक मार्केट जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड के लिए आपको एक फंड मैनेजर लगता है और स्टॉक मार्केट में आप खुद का दिमाग यूज करते हो। इसमें क्या बेटर है इसके लिए तो डेफिनेटली मैं आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगी। अभी हम लोग बात करते हैं कि इन रूल्स का, जो कल सेबी के रूल्स आया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो रूल आया है, उसका एग्जैक्टली क्या असर होगा स्टॉक मार्केट पे, कौन से स्टॉक में मूवमेंट देखी जाएगी, ये रूल कब से लागू होने वाले हैं। अक्सर ऐसे होता है कि आधी अधूरी बातें आपको पता होती है और उससे जाके कल आप मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आधे अधूरे नॉलेज पे आप कल जाके माल बेच दोगे आपका और कुछ नया आप खरीद लोगे। उससे पहले ये वीडियो देखना, ये पूरा वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से रूल्स चेंज हुआ है और वो कब से रूल्स चेंज हुआ है। तो चलिए, छोटा सा प्रेजेंटेशन अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल। अब है क्या, मतलब क्या चेंजेस लेके आई है सेबी, उसका क्या असर होगा। देखिए, आई एम अ स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट और आपको पता है कि ऑलवेज मतलब काफी सारी फंडामेंटल चीजें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब आप मुझे स्पेशल फंडामेंटल एनालिसिस अगर बोलते हो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर बार मैं फंडामेंटल चीजों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। मतलब न्यूज आपके पास बाद में आती है, उस न्यूज को पहले मैं ट्रैक करती हूँ। यही कमांड होनी चाहिए आपकी भी स्टॉक मार्केट पे, यही फंडामेंटली न्यूज आपने ग्रैब करना चाहिए। ये सारी फंडामेंटल न्यूज मैं अपने वेबसाइट पे भी देती हूँ, अपने ईमेल, आप मुझे आपके क्वेश्चंस ईमेल्स कर सकते हो जीमेल के आईडी पे, और YouTube, Facebook एंड Instagram आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो सेबी का जो नया रूल आया है, मतलब एसेट एलोकेशन के लिए जो नया रूल आया है, वही रूल मैं अभी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेबी का जो नया रूल है वो मल्टी कैप फंड्स एसेट एलोकेशन रूल्स जो 11 सितंबर 2020 में आया है। अब 2020 वैसे भी कम बुरा जा रहा था, तो अब उसी के लिए और कुछ नया फंडा लेके आया है। इसी तरीके से जब आपका सोच रहा है तो आप पहले बोलोगे मुझे कि शीतल, स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप है क्या, एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंस होता है। लार्ज कैप कंपनी, देखिए मैं कहीं पे भी सेमिनार लेने जाती हूँ, वेबिनार्स में जाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा यही बोलते रहती हूँ कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आप लार्ज कैप में करिए। अब लार्ज कैप कंपनी में आ गए टॉप 30, टॉप 50 शेयर्स, रिलायंस, HDFC, टाइटन, TCS, इंफोसिस, ये बड़े जो नाम हमें पता है वो नाम आ गए लार्ज कैप में। अब जब लार्ज कैप की कंपनीज में हम लोग सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो म्यूचुअल फंड वाले लोग भी अभी तक यही कर रहे थे कि वो लोग भी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब सेबी ने रूल चेंज कर दिए थोड़े से। देखिए, मैं पूरा प्रोफाइल बना के आपके सामने आई हूँ कि मल्टी कैप फंड जो है, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में जो था, 65% टोटल असेट होना चाहिए था। अब इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो अब यहाँ पे ये पहले वाले रूल्स है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये नीचे वाले जो रूल्स है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इक्विटी इक्विटी रिलेटेड जो लार्ज कैप इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें आपको 25% असेट रखना होगा। फिर मिड कैप रिलेटेड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है, इक्विटी जो है, इसमें आपको टोटल 25% असेट रखना पड़ेगा, और स्मॉल कैप में भी आपको 25% असेट रखना पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा था, सारी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में नहीं हो रही थी। जब मोटा मोटी सेबी ने ये कैलकुलेशन किए तो सेबी ने नए रूल्स हम लोगों के ऊपर लागू कर दिया। अब जैसे मैंने बताया, लार्ज कैप में 25, मिड कैप में 25 एंड स्मॉल कैप में 25, ये तीनों जगह पे डिवाइड हो जाएगा। अब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में होगा क्या, मतलब मंडे अगर मार्केट खुलेगा तो उसका इफेक्ट स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। देखिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप ये कंपनी के टर्नओवर के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि ये कंपनी अगर समझ लीजिए मोटा मोटी 5,000 करोड़ के अंदर है तो आप लोग उसे स्मॉल कैप बोल सकते हो। मिड कैप उनका एक पर्टिकुलर टर्नओवर कैटेगरी होगा, तो उसमें अगर बैठती है तो मिड कैप की कंपनी हो गई, और अबाउ
काफी सारे लिमिट्स क्रॉस करती है कंपनी, और उसके बाद में डिविडेंड बोनस सारी चीजें देती है, और लोगों को ज्यादा पसंद आती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली वो वाली कंपनी जो जाती है वो लार्ज कैप में जाती है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का डिफरेंस अगर आपको पता करना है तो डेफिनेटली मंडे की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस में इक्विटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं पढ़ाती हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब ये सारे रूल जो आए हैं ये म्यूचुअल फंड के लिए आए हैं। अब आप बोलोगे कि लार्ज कैप पहले जो था वो मोटा मोटी, अब सारे म्यूचुअल फंड 65-75% जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब उनको रूल्स में आ गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब लार्ज कैप की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी घट जाएगी और वो स्मॉल कैप और मिड कैप में आएगी। अब आप बोलोगे कि शीतल आप तो मना करते हो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मिड कैप ठीक ठाक होता है, आप बोलते हो कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करो, बट अभी थोड़ा सा चेंजेस हमें करने होंगे सिस्टम में। जब चेंजेस होते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बदलना पड़ता है, वही चेंजेस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप बोलोगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपनी कैसे फाइंड आउट करे, तो कंपनी की स्ट्रेंथ देख लीजिए, टॉप लाइन ग्रोथ देख लीजिए, बॉटम लाइन ग्रोथ देख लीजिए, कंपनी का फंडामेंटल देख लीजिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसका फ्यूचर अगर ब्राइट है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ आएगी उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। काफी सारे म्यूचुअल फंड जो है वो डिवाइड करके, डाइवर्सिफाई करके कभी कभी फ्लैश कर देते हैं कि हम लोग इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोग उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो बेनिफिट डेफिनेटली आपको होते हुए दिखेगा। और ये सारी छोटी 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 डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे स्टॉक मार्केट के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आईपीओ, म्यूचुअल फंड, स्पेशली पहला पार्ट सेफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और इक्विटी होता है, फिर हम लोग रोलर कोस्टर पे बैठते हैं जो ऊपर नीचे होता है, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज चैनल, फंडामेंटल विद लाइव प्रैक्टिकल्स एंड मैजिक फॉर्मूलाज, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें 5 दिन में आप सीखते हो, और नेक्स्ट वीक आप आपकी फीस भी निकाल लेते हो। यस, आप बोलोगे कि शीतल 5 दिन में समझ में नहीं आया, तो फ्रीली आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हो, इतने सारे बेनिफिट एक ही कोर्स में मिलेंगे, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ऑफ रेशियो भी तो बढ़ेगा। सारी चीजों में हमें अगर बेनिफिट लेना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे फायदा ले सकते हो। टिल देन गाइस, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।